आज हमारे एनिमल एरिया में ना फुल ऑन भीड़ लग रही है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये साहिल भाई, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि भीड़ है? ये सारे एक साइड बैठे हैं ना, धूप नहीं है। साहिल भैया का लॉजिक क्या ही है? साहिल भैया क्या लॉजिक है? धूप नहीं आज इसलिए भीड़ लग रही है। मैं अभी उस जगह आई हूँ जहाँ पे हमारे नए मिट्टी के बंगलोज बन रहे हैं। तो तीन बंगलोज हमारे तो फार्म पे ही है, मड बंगलोज यहाँ बन रहे हैं। तो मैं एक आपको छोटा सा टूर दे दूंगी। तो ये चल रही है मड हाउसेस की कंस्ट्रक्शन, और ये बनते हैं मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, इन सब से। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारी कंस्ट्रक्शन की ये भी है कि जो लोग कबाड़ समझ के चीज़ें फेंक देते हैं जंक यार्ड में, हम वहाँ से भी सामान लाते हैं और उसको भी कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं। पीछे वाली साइड है, यहाँ पे आपको रेड ब्रिक्स यानी कि जो हमें रेगुलर ब्रिक्स जो होती हैं वो वाली वॉल्स है। बाथरूम भी इसी साइड में, तो यहाँ पे प्लम्बिंग होगी, पानी की पाइप्स फिट होंगी। और फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होता है कि लीकेज आ जाए किसी पाइप में और पानी लीक हो रहा है, तो मिट्टी की दीवार तो बहुत जल्दी गीली होके ढह सकती है, लेकिन ये ब्रिक्स है इसकी वजह से अगर कोई लीकेज भी होगी तो दीवार खराब नहीं होगी। ये फ्रंट व्यू है हमारे बंगलोज का, तो रियर व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे छोटा सा पोर्च है, ये है खिड़की नंबर वन, ये दरवाजा है। तो दरवाजा तो एक ही है पर खिड़कियाँ मुझे लगता है एक दो खिड़कियाँ हैं। और ये है बाथरूम। ये चल रही है कंस्ट्रक्शन अभी। और भैया ये क्या क्या है? मिट्टी है और भूसा भी है। मिट्टी है, भूसा है और गोबर है, गोबर नहीं है, मिट्टी, भूसा और पानी मिक्स हो रहा है अभी। और ये तो ऊपर वाला फ्लोर भी डल चुका है, नहीं खाली छज्जा डला है फ्रंट वाला। और ये जो खिड़की है आप देख सकते हैं कि ये पुरानी है, इसको हम रीयूज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये इसके साथ ग्रिल्स भी हैं, तो आई थिंक ये पुरानी किसी कंस्ट्रक्शन की खिड़कियां हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेडीज के साथ हूँ। मेरे पीछे ज्वाला, और ये लूसी है, वो काजल है। काजल एडॉप्ट हो चुकी थी, कनाडा जाने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे काजल के एडॉप्टर ने मना कर दिया इसको लेके जाने से। तो अभी एक परिवार, एक फैमिली ढूंढ रही है, एक घर ढूंढ रही है। उसके अलावा ये है कंगना। हाय कंगना। कंगना थोड़ी शाय है लेकिन अब ये धीरे धीरे फ्रेंडली हो रही है। ये हमारी ज्वाला है, ज्वाला को तो आप जानते ही हैं। ज्वाला भी काजल और कंगना की तरह ही ट्राइपॉड है, मतलब इनकी सिर्फ तीन टांगे हैं। आ जाओ, और कौन है यहाँ पे? ये लूसी है। लूसी, लूसी ने बड़े प्यारे प्यारे बच्चे को जन्म भी दिया था, वो एडॉप्ट भी हो गए। ये खजूर है, खजूर। और है बुली जी, चुलबुली, चुलबुली। ये अपने नाम की तरह एक चुलबुली है। हाय जून। जून एक अबैंडन पेट है और इसकी भी स्पेस सर्जरी हो गई है, इसको भी एक घर की तलाश है। और फिर है ये हमारा धुंधु। धुंधु, हाय धुंधु। धुंधु को भी एक घर चाहिए, तो आप चाहे तो आप धुंधु को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अडॉप्ट करने के लिए आपको हमें फोन करना है हमारी अडॉप्शन लाइन पे। ये सुरीली का ब्रेकफास्ट हो रहा है या लंच हो रहा है? 11 बजे की फीड है, 6 टाइम करता हूँ। ओ, एक्स्ट्रा फीडिंग हो रही है। सुरीली। अच्छा, आप में से कई लोग शर्मीली के लिए पूछ रहे थे, तो ये हमारी शर्मीली है। शर्मीली की स्पेस सर्जरी हो गई है, इसलिए उसे हम आजकल बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि इसको रेस्ट करना ज़रूरी है। मेरे साथ अभी नानक जी हैं। नानक जी घरों से आए हैं और इन्होंने जानकी के लिए फ़ोन किया था इसे रेस्क्यू करने के लिए। तो नानक जी को मिली थी जानकी, और इसके अलावा नानक जी जानकी को देखने आए, जैसे मरीजों को रिश्तेदार देखने आते हैं हॉस्पिटल में, और खूब सारी दवाइयां भी इसके लिए लेकर आए हैं। ये दवाइयां हमारे ग्रो मार्केट के कुछ शॉप कीपर हैं और जो ग्रो के ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उन्होंने भी थोड़ा सहयोग किया हमारे साथ, और जो मार्केट वालों ने भी किया है। अभी तक मौसम एकदम साफ था, धूप थी और अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो हमारे एनिमल एरिया के सारे मेंबर्स
फुर्ती मार रहे हैं और शुरू हो गए चीजें अंदर रखना। यहाँ हमारा बन रहा है खाना। आप क्या बना रहे हो दीदी? ये डिंपल दीदी है, वो ममता दीदी है। वीगन कड़ी बन रही है आज, क्या बात है। अभी अभी हमारे पास कांगड़ा से एक रेस्क्यू आया। ये एक डॉग है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इसको किसी गाड़ी ने मारा है। साहिल भाई क्या कह रहे हो, इसकी टांग में शायद फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सरे के बाद ही लगेगा पता ना, क्योंकि अभी मतलब फील नहीं हो रहा फ्रैक्चर ना, तो आज पेन किलर देखेंगे, कल एक्सरे करवा के कंफर्म हो जाएगा। अद्वितीय जी ने हमें फोन किया था इसके लिए, अभी हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली इसको क्या प्रॉब्लम है, हम एक्सरे करवाएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसको फ्रैक्चर है या क्या है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं और जोश के साथ आपके लिए नए नए अपडेट्स ला सकूं। थैंक यू।